हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्या और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अश्वनी मौर्या ओमनीपोटेंट। तो आज मैं ड्रिल वाला हैमर मशीन लेके आया हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, रोटरी हैमर 2.20। तो ये सनफ्लावर का रोटरी हैमर है और जो है कि ये हैमर कितने का आ रहा है, कितने में है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ साइड में लिखा होगा वोल्टेज 220 वोल्ट 50 मेगाहर्ट्ज़, 500 वाट, 850 आरपीएम और 20 mm का ड्रिल चलाने के लिए है। तो ये ड्रिल मशीन है, हैमर ड्रिल मशीन है। तो मैं इसके बारे में ही बताने वाला, इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो मैं फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसा है और इसके अंदर क्या क्या हमको सिस्टम मिला है। तो ये देखिए, अभी मैं इसको जो है कि बाहर करता हूँ और ये जो है कि हमारा सूटकेस टाइप का, ये देखिए कितना अच्छा पैकिंग दिया हुआ है और इस पर विधिवत यहाँ सनफ्लावर लिखा हुआ है कंपनी का। तो इसको हम खोल के दिखाने वाले हैं। तो यहाँ एकदम सूटकेस हमारा, समझिए, खुल गया और जो है कि इसको हम देखिए यहाँ खोल चुके हैं। तो इसमें एक हमको जो है कि मशीन चलाने के लिए मेनू बुक दिया गया है और ये देखिए आप मेनू बुक, और उसके बाद इसके साथ हमें क्या क्या मिला है। और ये देखिए सबसे मेन मस्ट ये है, ये हमारी मशीन है हैमर, और हैमर मशीन हमारी है ये। और यहाँ देखिए दो ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करने को है, यहाँ इस समय हैमर पे है और यहाँ इसको घुमा के हम यहाँ जब भी गोल पे कर रहे हैं, यहाँ जो है कि ये वाला इस समय जो है कि ड्रिल पे हो जा रहा है और ये हैमर पे है। तो अभी हमारा हैमर पे है। तो ये मशीन हमारी रही और सनफ्लावर कंपनी की मशीन है, आप देख सकते हैं कैसी मशीन है। और यहाँ पे इसका सब कुछ लिखा हुआ है, और लोटरी हैमर 220 वोल्ट 50 मेगाहर्ट्ज़, 500 वाट, सब कुछ इस पे दिया हुआ है, कितने वाट पे चलता है, कितना लाइन लेता है। तो ये ज़्यादा वाट का नहीं है, 500 वाट की मशीन है। तो मैं मशीन को थोड़ा साइड में रखता हूँ और इसका वायर भी बहुत अच्छा खासा लंबा मिला हुआ है। तो उसके बाद जो है कि हम इसके साथ क्या क्या मिला हुआ है, यहाँ देखिए इसके साथ ये हैंडल मिली हुई है। तो ये हैंडल, जैसे अगर आप सिंगल हैंडल चला रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको डबल हैंडल की ज़रूरत है तो इसको हैंडल भी आप अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ से हैंडल को खोलकर हम अटैच करके भी दिखाने वाले हैं आपको। ये देखिए, और ये हमारा हैंडल कसा जा रहा है अभी, और ये हमारा हैंडल तैयार हो चुका है मशीन के साथ, और मशीन एकदम तैयार है। और इसके बाद यहाँ एक सेटिंग और दिया हुआ है इसमें, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। हैंडल लग चुका है हमारा, तो डबल हैंडल मशीन हो चुकी है। और यहाँ देखिए एक सिस्टम ये दिया हुआ है हमें, ये सब छोटा सा दिया हुआ है। तो ये क्या है, किस लिए दिया गया है, तो ये हम मशीन में लगा सकते हैं और इससे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा छेद दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो इस छेद में अगर हम इसको लगाते हैं तो ये हमें नापने के लिए होता है कि कितना हमको छेद करना है, तो इसके लिए ये दिया होता है। तो इसका तो हमें वैसे कोई ज़रूरत है नहीं अभी। और इसके साथ क्या क्या मिला है, तो यहाँ देखिए हैमर का, ये जो है हैमर का तीन पीस जो है कि ये बिट मिला हुआ है हैमर के साथ। और कैसा बिट है, कितने नंबर का बिट है, तो मैं इसको भी खोल के दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए हमारा बिट तीन पीस है और इसमें एक बिट जो है कि नॉर्मल है और ये बिट जो है कि ये 38 नंबर का बिट है जो कि नॉर्मली छेदों के लिए चलता है। और दूसरा बिट भी देखने वाले हम इसमें कितने का बिट है। तो ये देखिए, ये जो है कि ये 38 नंबर यानी 6 नंबर का है और उससे ज़्यादा ये 8 नंबर मोटा बिट है। और इसके बाद और कौन सा एक बिट है उसको भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये जो है कि हमारा, और इसमें ये 10 नंबर का बिट है और भी उससे मोटा है। तो हमें 8 नंबर और 10 नंबर का ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ता है क्योंकि हमें अगर हैंगर लगाना हो या बोर्ड कसना हो या अन्य प्रकार का 1.5 से 2 इंच का कोई भी किल लगानी हो तो हमको 38 नंबर यानी 6 नंबर का काम ज़्यादा पड़ता है। तो लगाया कैसे जाता है ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसका जो है कि इसको, ये जो है इसका मेन पोर्सन, इसको दबाया जाता है, लगाने के लिए नहीं दबाना पड़ता है, लगाने के लिए ऐसे ही हम इसको दबा देंगे तो यहाँ फिट हो गया, क्लिप बैठ गया और ये निकलेगा नहीं। और जो है कि रोटरी का ही फायदा है कि ये रोटरी हैमर है तो ये आगे पीछे भी करता है। और जब हम रोटरी पे यहाँ पे सेट करते हैं हम जो है कि हैमर पे, तो ये गोल घूमता भी है इस प्रकार से और जो है कि आगे पीछे भी करता है। और जब हम ड्रिल पे सेट करते हैं तो सिर्फ ये घूमता ही है।
तो ये लग चुका है, उसको निकाला कैसे जाता है, तो निकालने के लिए एकदम इजी ट्रिक है। ये जो है ये निपल, इसको हमें दबाना है ये कुछ इस प्रकार से, और इसको वापस खींच लेना है और ये निकल गया। विदाउट इसको दबाए आप नहीं निकाल सकते। तो ये देखिए सनफ्लावर का जो है कि ये हैमर मशीन रहा, और इसके साथ मिलने वाले उपकरण को भी हम दिखा चुके हैं। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इसका हम प्राइस बता दे रहे हैं एक बार, ये कितने में आ रहा है, कितने का आ रहा है। तो इसका प्राइस लोकल मार्केट में नियर अबाउट 2000 से 2500 रुपए के बीच में है। जहाँ भी जैसे भी कहीं भी किसी भी हालत में कोई सस्ता बेच रहा है, कोई महंगा बेच रहा है, जिसका जैसा मन हो वो ऐसा बेच रहा है। तो ये 2000 से स्टार्टिंग है इसका, और 2500 के बीच तक मिल जा रहा है। तो ये मशीन अगर आप भी लेना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखिए इसमें हम सब कुछ बता चुके हैं, जो भी मिला है उपकरण वो भी दिखा चुके हैं। तो अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल अश्वनी मौर्या ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।